स्वागत आप सभी का नए वीडियो में। माहौलों को शराब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोगो साधो प्लाक्स। फैजाबाद के समस्त छात्रों के लिए लैपटॉप से संबंधित खबर आ चुकी है और सभी बच्चों के कॉलेजेस में लिस्ट भी आ चुकी है। आपको टैबलेट वितरण किए जाने हैं। यूजी स्तर पर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन होना है। एमए स्तर पर सेकेंड ईयर के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं किस कॉलेज में बटेगा और किस दिन बटेगा। सबसे पहले बता दें कि फैजाबाद जिले के समस्त राजकीय सरकारी महाविद्यालयों जितने भी हैं, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम के कोर्स हैं, बीए सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाना है और इसका वितरण जो होना है वो 18 अप्रैल को होगा। और समस्त राजकीय कॉलेजों में जो पीजी स्तर पर कोर्स है, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, करने वाले सेकेंड ईयर बच्चों को टैबलेट मिलेगा। इसके लिए डीएम द्वारा एक सर्कुलर भी जारी किया गया है और सभी विद्यालयों में लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि किन किन बच्चों को मिलना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एडमिशन की रसीद होना चाहिए, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और अपना आधार कार्ड, तीन चीज़ें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं। आपके पास ये होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। तो अपने मूल डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें और 18 और 21 तारीख को अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, जिस दिन भी वितरण कर रहे हों। वैसे जो निर्देश दिया गया है कि यूजी स्तर के बच्चों को 18 अप्रैल को और पीजी स्तर के बच्चों को 21 अप्रैल को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जल्द ही अमेठी और सुल्तानपुर के बचे हुए छात्रों का भी टैबलेट बटना है। जैसे भी कोई न्यूज आती है वीडियो के माध्यम जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको कोई भी सूचना पाने में दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।